दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए सो दैट इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने ना आए। पहले 2 हफ्ते तक आप कोई भी फिजिकल वर्क ना करें, मेहनत ना करें। पहले 2 हफ्ते आपके लिए मैंडेटरी है कि आप आराम करें। जितना आप ज़्यादा आराम करेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, 48 से 72 घंटे के बाद आप कुछ चहलकदमी ज़रूर करें, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कोई भी भारी काम ना करें, कोई वज़न ना उठाएं, साइकिलिंग ना करें या एक्सरसाइज ना करें। 15 दिन बहुत ही क्रूशल होते हैं आपकी रिकवरी को स्पीडी बनाने के लिए। दूसरा, अपने जो ज़ख्म है या वूंड है उसकी नियमित देखभाल करें। उसमें देखें कि किसी तरह का कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, वहाँ पर कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तब भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएंगे। और साथ के साथ जो डेली ड्रेसिंग या अल्टरनेट डे पे ड्रेसिंग अगर आपके डॉक्टर ने चेंज करने के लिए कहा है तो उसको ज़रूर कराएं। और इस बात का ध्यान रखें कि वो एंटीसेप्टिक कंडीशंस में, यानी कि प्रॉपर स्टराइल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लव्स वगैरह पहन के की गई है, और प्रॉपर तरीके से आपकी ड्रेसिंग अगर होगी तो वूंड जल्दी हील होगा और आगे इन्फेक्शन होने का ख़तरा कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का यूज़ करें। जूस इस्तेमाल कर सकते हैं आप, स्मूदी बना के पी सकते हैं, दाल पी सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि पहले 2 हफ्ते में आप बिल्कुल भी तला चिकना भोजन ना करें, फ्राइड ना खाएं, बाहर का ना खाएं, नो पिज़्ज़ा, नो बर्गर, नो समोसा, क्योंकि अगर आपने ये खाया तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो आपके अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले गॉल ब्लैडर था, अब नहीं है। तो आपके भोजन को पचने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आदी होने दें उस सिस्टम का कि अब गॉल ब्लैडर नहीं है, उसको कैसे काम करना है। तो इसलिए आप पहले उसको धीरे धीरे आदी बनाएं, हल्का फुल्का भोजन करके जो आसानी से डाइजेस्ट होता है, और धीरे धीरे फिर आप अपने नॉर्मल भोजन पे आ जाएंगे अगले 2-3 महीने में। क्योंकि बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि अब तो ऑपरेशन हो गया, हम सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पहले 2 हफ्ते बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। कब्ज़ बिल्कुल ना होने दें, और जैसे नट्स हैं या फाइबर युक्त भोजन ही ज़्यादा से ज़्यादा करें, थोड़ी चहलकदमी कर लें, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा पिएंगे तो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए अलर्ट क्या होना चाहिए, आपके लिए अलार्म क्या होना चाहिए। तो अगर इन लक्षणों में से कोई भी आपको लक्षण दिखते हैं पहले हफ्ते के अंदर अंदर ख़ासतौर से, तो आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाने की ज़रूरत होगी। पहला लक्षण होता है कि अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आ जाता है तो ये बताता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, जो ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें। दूसरा होता है कि आपको बार बार जल्दी जल्दी पेट में दर्द होना और पेट का फूलना। तीसरा, अगर इस सब के साथ आपको गैस पास नहीं होती है, कब्ज़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंत में बंद लगने का कारण भी हो सकता है। और लास्ट, अगर आपको दस्त लग जाते हैं या आपको पीलिया हो जाता है तो इसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार जो कॉमन बाइल डक्ट है अगर वो बंद हो जाती है तो फिर जूस आना चाहिए नीचे, बाइल जूस वो नहीं आता है हाथ में, ऊपर वापस ब्लड में जाने लगता है, जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।